बुआ जो है माताओं बहनों की लगता भी है, तभी ना एग्जाम्पल हमें जहर दिया गया था लेकिन बच गए, और हाई लेवल का जहर था, तो कहीं ना कहीं समझिए कि माओ का दुआ है। और लोग कहलन कि तार माई खर जूतिया कैले रही तो बच गई, हमार माई मैंने हम अपनी माँ को कह रहे हैं कि वो इस काम की है कि आज मैं जिंदा हूँ। अभी तक कितने लोगों का ऑपरेशन करा? अनलिमिटेड हो गया भाई, पहले 1000 का ख्वाब देखा था, तो 2000 से ऊपर तो खाली हम पेट और इसका ऑपरेशन करा दिए हैं। हमको खुद भी पता नहीं कितना कराया, लेकिन हम बोले हैं कि हिंदुस्तान के पूरे हर कोने से अगर कोई भी मेरे पास आता है, आँख का ऑपरेशन हो, पथरी का ऑपरेशन हो, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, किसी प्रकार का ऑपरेशन हो, सिर्फ दो चीज़ की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि ब्रेन हेमरेज है और हार्ट अटैक का इलाज हम नहीं करा पाते, थोड़ी बहुत मदद कर देते। जीवन जी, आपको चाप गांव में अभी अभी जनता ने कह दिया है कि जीवन बेटा बड़ा काम करता है, ओकरा के जीवन लंबा मिल जाओ, कितना समाज में काम हो जाओ। बताए चाप में हम यहाँ बैठे हैं, लोग कह रहे मेरा कर्म बोल रहा है, हम चाहते हैं कि लोगों का आशीर्वाद मिले कि हम यशस्वी बने, 80 साल जिए, जीना चाहते हैं। जीवन यादव जी, एक सवाल ये है कि चेयरमैन पद का जो कारभार है उसके बारे में सारा पता है? अरे चेयरमैन कौन पूछता है भाई, ऐसे लोगों का इलाज कीजिएगा, लोगों की सेवा कीजिएगा ना, तो एक दिन आप मंत्री बनिएगा, हम भी बनेंगे एक समय आएगा तो, लेकिन सेवा करके बनना है क्या और इससे ज्यादा सेवा करना है। क्या लगता है जीवन जी, जो भी आप समाज सेवा करते हैं, जो भी महिलाएं और बुजुर्ग दुआ देते हैं, वो दुआ आप चुनाव में काम आने वाला? अरे चुनाव में हमको कोई मतलब नहीं है, ये दुआ मुझे मिल चुका है, हॉस्पिटल में 20 दिन ICU में था ना, यही दुआ मुझको वापस लाया है, बड़ी पीड़ा में थे, दोनों नाक वह पैक कर दिया गया था, सांस नहीं आ रहा था, ओठ पे फफरी पड़ गया था, लेकिन जब हम याद करते थे ना लोगों का इलाज कराना, तो हमको सुकून नहीं कहते कि कुछ उस पल को याद कीजिए जब आप परेशानी में हो, जिस पल में आपको खुशी मिले, तो जैसे यही पल मुझे खुशी देता है, तो इन्हीं को याद करते थे कि लोग कितना पीड़ा में होंगे जिनका हम इलाज करते हैं, तो आज हम पीड़ा में इनकी दुआएं काम आएगी, काम आ गई, आज स्वस्थ है, घूम रहे हैं, भले बीमार है लेकिन घूम तो रहे हैं ना। भारत के कोई ऐसा नेता जो आपका आइडियोलॉजी पे आप उनको मानते हो, उनके आदर्श पृथ्वी पर चलते हो आप? गरीबों का मसीहा लालू यादव जी, हमारे गार्जियन, हमारे मैंने हम भगवान मानते हैं लालू जी को अपना। अभी उनका दूसरा जीवन एक तरह से, अरे भाई देखिए इतने उम्र में उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का सक्सेस नहीं होता है, नहीं होता। हम पहला बार देख रहे हैं कि इतने उम्र में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो स्वस्थ है, तो सही में उनका वर्क जो पहले का समाज का सेवा है जो आज उनके साथ है, नहीं तो हमको नहीं लगता कि 70 बरस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट होता है, नहीं सक्सेस होता है, लेकिन उनका सक्सेस हो गया इसका मतलब उनके दुआ, लोगों का दुआ ही उनको बचाया है, तो इसीलिए हम उनको अपना भगवान मानते हैं। सेम्पी गुप्ता अगर चुनाव जीत जाती हैं, चेयरमैन बन जाती हैं, तो आने वाले समय में क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी लालू जी हैं, तो आरजेडी पार्टी में आप? नहीं नहीं, आरजेडी से मतलब नहीं है, आरजेडी से मतलब है हमको लालू जी से, वो हमारे गार्जियन, विचारधारों पे हम रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने देखिए हम उनको पर्सनली जानते हैं, हम उनके साथ रहे हैं, हम उनके यहाँ बचपन से, हम लोग का रिश्तेदारी है, तो वो अलग चीज़ है, आरजेडी पार्टी और भाजपा पार्टी अलग हो गया, हम पर्सनली जानते हैं कि वो भगवान है, गरीबों के मसीहा थे, उन्हीं को देख के हम ये सब कार्य करते हैं, कुछ अपनी माँ से अपने पिता से प्रेरित हो गए, कुछ गार्जियन से प्रेरित हो गए, तो ऐसे कुछ हमारे और बेरी चौधरी जी चाचा जी हैं, ये भी मैंने भगवान है, सिवान के गादी कहे जाते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को देख के हम भी चाहते हैं कि इन्हीं की तरह कार्य करके हम भी आगे चले, कि लोग मेरे बारे में इसी तरह कहे कि भाई वो महापुरुष थे, है तो अभी ये लोग को देख के हम कर रहे हैं, कल हम भी इस पोजीशन पे आएंगे तो लोग हमको भी देख के ये करेगा, इसी के लिए हम भी करते हैं। और बिहारी चौधरी जी को आप भी सिवान का गांधी मानते हैं? हम तीन जिला का गांधी मानते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, तीन जिला में लोग उनको गांधी मानते हैं, सारण प्रमंडल के गांधी जी माने जाते हैं, आई सत्य भी है, सबके गार्जियन हमारे भी गार्जियन है। ठीक है, नमस्कार।